अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अगर जुलेखा की सहेलियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देख लेती तो हाथों के बजाय अपनी गर्दनों को काट लेती। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुस्न अता फरमाया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो कुछ जिससे मोहब्बत की जाती है उसके अंदर कुछ सिफात का होना ज़रूरी है, जैसे जमाल का होना ज़रूरी है, कमाल का होना ज़रूरी है, नवाल का होना ज़रूरी है, अखलाक का होना ज़रूरी है। ये सारी सिफात हों जबी तो कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम की तमाम सिफात जमालिया कमालिया अता फरमाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल ऐसा कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया है जुलेखा का, कि जुलेखा की सहेलियाँ उसको ताने दिया करती थी कि जुलेखा तू जो है वो एक ग़ुलाम से मोहब्बत कर बैठी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता किया था और वो जुलेखा उनसे मोहब्बत करती थी और उनको दिल दे बैठी और वो चाहती थी कि वो उनके साथ मुंह काला करे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकाल निस्वतुन फिल मदीनति मुरातुल अजीज तुराबिदु फताअ नफ्सी कद शगफहा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। के औरतें बात करना शुरू कर दी, औरतें करती थी कि अजीज की बीवी, यानी अजीज की बीवी जो थी वो जुलेखा थी। तो जुलेखा रोज रोज के तानों से तंग आ गई। एक दिन उसने क्या किया कि तमाम की तमाम जो शहर की बड़ी रुआसा शहजादियाँ थीं, उमरा की बीवियाँ थीं, उनकी जो ख़वातीन थीं, उनको दावत दी और फल फ्रूट उनके सामने रख दिए और छुरियाँ उनके हाथ में दे दी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है उनके सामने से गुजारा। तो आता है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सिर्फ सामने से गुजरे हैं नाज़रीन, तो वक़त्ताना अईदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, के उन्होंने अपनी हाथों को काट लिया, उंगलियों को काट लिया मुख्तलिफ जगहों से और कहा कि ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता है। आप अंदाज़ा करें कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अगर जुलेखा की सहेलियाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसन को देख लेती तो हाथों के बजाय अपनी गर्दनों को काट लेती। यानी अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुसन अता फरमाया था। तो अल्लाह ताला ने आपको हुसन भी कमाल का अता किया और सिफात भी अता की। अल्लाह ताला ने आपको नवाल भी दिया कि आप सखी थे, आप गरीबों की मदद करते थे, यतीमों के सहारा थे, बेवाओं का जो है मावा थे और बेवाओं के साथ जो है हुस्न सलूक के साथ पेश आते थे, कमज़ोरों और बेकसों की आप मदद करते थे। तो हर किस्म के अखलाकी जो कमाल होते हैं वो सारे के सारे हुजूर में मौजूद थे। तो अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमाए।